Let us start with a new chapter today, that is TDS and TCS, tax deducted at source and tax collected at source. Now, one thing you have to understand here is you are going to get surely a question on this particular chapter. ऐसा कोई पेपर नहीं है सीए फाइनल का जिस पे टीडीएस टीसीएस नहीं आया, कुछ ना कुछ तो आना ही है 100%. सो दिस इज वन चैप्टर यू हैव टू श्योरली डू फॉर योर एग्जाम. सिर्फ वेटेज कितना होगा दैट वन कैन नॉट से, इट कैन बी व्हाट एवर इट मे बी, बट मिनिमम 4 मार्क्स आई विल से मिनिमम. एंड फर्दर जो आपके रीसेंट केस लॉज होते हैं जिसके ऊपर बहुत बार वो डायरेक्टली 4-4 मार्क के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें से वो 3 या 4 केस लॉज जनरली पूछते हैं, उसमें से एक तो भी एटलीस्ट टीडीएस होता ही होता है. तो जो रिसेंट केस लॉ बुक्स में टीडीएस के जितने केस लॉज है वो सब अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एक तो भी आपको उसमें से आएगा. यू कैन जस्ट चेक योर पास्ट पेपर्स, विल फाइंड इट आउट. आर यू गेटिंग? यस, फाइन. नाउ टीडीएस टीसीएस चैप्टर, लेट अस फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन टीडीएस. देर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोविजन वी हैव टू अंडरस्टैंड. But before that, let us try to understand section 191, somewhat like a starting point of TDS, which says, as per this chapter, जो भी 17BB, जो हमारा chapter है TDS का, इस chapter के हिसाब से जहां पे जो बोला आपको TDS करना है, fine. But आगे बहुत काम की चीजें बोलता है. Suppose अगर किसी person ने TDS नहीं किया, तो सामने वाला, that is payee, जिसका TDS होना चाहिए था, is not absolved from the liability to pay tax. वन कैन नॉट से सर मेरा तो टीडीएस हुआ ही नहीं तो अब मैं टैक्स क्यों भरू. अगर टैक्स टीडीएस नहीं हुआ तो अब आपके जेब से भरो. यू आर नॉट एब्सॉल्व फ्रॉम द लायबिलिटी टू पे योर ओन इनकम टैक्स. एवरीवन गेटिंग दिस? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सो मेनी डिफरेंट टीडीएस प्रोविजंस एंड वी विल ट्राई टू टेक इट वन बाय वन. आई विल कीप ऑन टेलिंग यू व्हिच विल बी मोस्ट रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम. ऑब्वियसली दे हैव अ हैबिट टू आस्क ऑन दोज पॉइंट्स where there is a tricky situation, some loophole or something very different. So you have to catch those situations and you have to be ready for that, because you may get question only on that itself. Is it clear? Shall we start? Now, सबसे जब हम पहले TDS से start करेंगे, पहला section करते वक्त बहुत आराम से चलेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत सारे thumb rules देने वाला हूँ जो आगे के provisions का काम हमारा बहुत fast कर देगा. ठीक है? So rather than taking 192, let us start actually with 194A. It will be more beneficial for us. Let us start with 194A. फिर हम बाकी के provisions देखेंगे, right? Yes. Now 194A is basically a TDS when any interest is paid to a person which is other than your securities. That is any interest on securities अगर है, जैसे debentures, bonds पे, तो उसके ऊपर का टीडीएस इज कवर्ड बाय 193. बट अगर अदर देन सिक्योरिटीज पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपको टीडीएस कहां पे करना है? 194A. तो जब भी हम टीडीएस की बात करते हैं तो समझने के लिए हमें 7 चीजें प्राइमरीली समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहले सेक्शन नंबर याद रखना है. तो अभी हम सेक्शन पढ़ रहे 194A. विच टाइप ऑफ पेमेंट्स आर कवर्ड हियर फॉर टीडीएस? आई होप यू आर गेटिंग. Who should be deductor? किसने TDS काटना है? क्या सब TDS काटते हैं? नहीं. Those who are covered in this deductor clause, right? Then who should be deductee? इसको आप ये भी बोल सकते हो payer and payee. सबको समझ में आ रहा है? Then what is the rate of TDS? At what rate it should be deducted? I hope you are getting this. Then next one is on what amount it should be deducted. बेसिकली आई वॉन्ट टू से वॉट इज मॉनिटरी लिमिट, कि किस लिमिट के ऊपर गया तो करना है, या फिर इतने तक टीडीएस अप्लाई होता नहीं है. एंड देन लास्ट, वॉट इज योर टाइम ऑफ डिडक्शन, वेन यू हैव टू डिडक्ट इट, बिकॉज टाइम ऑफ डिडक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज इफ यू डिडक्ट लेट देन यू मे लाइबल टू पे इंटरेस्ट फॉर लेट डिडक्शन. एवरी वन गेटिंग दिस? येस और नो? एंड लास्ट पॉइंट 8th one, which will come in certain cases only, and that is certain exemptions available, कि कुछ cases में आपको TDS करने से exempt किया गया है. But ये सारे sections में नहीं आएगा, कुछ ही आएगा. तो primarily होते हैं ये 7 point, और कुछ cases में 8th भी add होगा. सबको समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में रख के आपको हमेशा पढ़ना होता है. Shall we start? Yes. Now
सबसे पहले सेक्शन तो हमने बात कर ली 194A, व्हाट विल बी कवर्ड हियर, एनी इंटरेस्ट पेड बट विच इज अदर देन सिक्योरिटीज. तो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है तो वो 193 में जाता है, वो छोड़ के सब यहां पे. मतलब लेट अस से अगर मैंने मेरे दोस्त से लोन लिया बिजनेस के लिए और उसको इंटरेस्ट दिया, विल इट बी कवर्ड? ऑब्वियसली यस. सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? या मैंने बैंक में एफडी रखी तो बैंक वाला जो मुझे एफडी इंटरेस्ट दे रहा है, यस, बिकॉज अगेन दैट इज नॉट अ सिक्योरिटी. एफडी इज नॉट अ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. बट वही अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स बाय किए और उस डिबेंचर्स पे मैंने इंटरेस्ट दिया, सबको समझ में आ रहा है? तो इन दैट पर्टिकुलर, मतलब आया मेरे को इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस होगा अंडर सेक्शन 193. सबको क्लियर? नाउ हु शुड बी डिडक्ट? नाउ नॉर्मली वी विल रिमेंबर दिस ओनली इन टू क्लॉजेस. जितने भी हम सेक्शंस देखेंगे, आइदर ऑफ दिस टू विल बी देयर. पहला है एनी पर्सन, कोई भी रो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आ जाओ. इज इट वेरी क्लियर? एंड सेकेंड कैटेगरी इज एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ. तो सब कवर होंगे बट इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के. इज इट वेरी क्लियर? नाउ दिस क्लॉज अप्लाइज टू, आई एम गिविंग यू गोल्डन रूल नंबर वन. तो गोल्डन रूल नंबर वन है ये वाला क्लॉज, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ अप्लाइज ओनली इन फाइव सेक्शंस, 194A, C, H, I, J, जो आपके सबसे कॉमन है. तो यही सेक्शन में आपको अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ का क्लॉज मिलेगा. बाकी सब केसेस में इट विल बी एनी पर्सन. आई होप यू आर गेटिंग दिस, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि कौन से सेक्शन में कौन डिडक्टर होना चाहिए. सबको समझ में आ रहा है? तो गोइंग बैक टू दिस, तो अगर इंटरेस्ट देने वाला, मतलब जिसको टीडीएस करना है, वो कौन चाहिए? कोई भी पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के. बट दिस इंडिविजुअल एचयूएफ विल ऑल्सो गेट कवर्ड इफ That individual HOF was liable for tax audit in immediately preceding previous year. तो ही, वरना नहीं. आप offices में देखते हो ना बहुत बार, जिसका पहली बार audit होता है individual का, first year of audit में normally आप TDS नहीं करते हो. कौन से? ये वाले. बाकी करने पड़ते हैं, सिर्फ ये नहीं. सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? But अगर उसको पिछले साल already audit था individual HOF को, तो इस साल उसको ये पांचों में भी टीडीएस करना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस. बट देन करंट ईयर में उसका ऑडिट है या नहीं, उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वी आर लीस्ट बॉदर्ड वेदर इज लायबल फॉर ऑडिट इन करंट ईयर और नॉट. जैसे अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बोलू कि 16-17 में एक इंडिविजुअल को ऑडिट था, 17-18 में नहीं था. सबको समझ में आ रहा है? तो क्या 17-18 में इंटरेस्ट पेड पे 194A का टीडीएस होगा? हाँ. सबको समझ में आ रहा है? नाउ द लास्ट पॉइंट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. सो इंडिविजुअल एचएफ विल बी कवर्ड ओनली इफ लायबल फॉर ऑडिट इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, बट अगेन ओनली ऑन दोज पेमेंट्स विच आर बिजनेस एक्सपेंडिचर. If it is not for the purpose of business, again TDS नहीं होगा. Even if you are liable for audit in immediately preceding previous year. Let us take simple example. X को 16-17 में tax audit था, बराबर, और 17-18 में उसने दो interest pay किए. एक interest on housing loan taken from his father. So that deduction is going to claim under section 24. और दूसरा again loan taken from his other relative, let us say mother, which was used for business, जिसका deduction he will claim under 3613. I hope you are getting this. ये interest है 2 लाख, ये भी interest है 2 लाख. अब शांति से समझो, इस पे TDS नहीं होगा, इस पे होगा. और अगर पिछले साल tax audit नहीं होता तो दोनों पे नहीं होगा. I hope everyone understanding this. अगर ये clause आपको अच्छे से समझा है तो this will apply in remaining 4 sections also. So I'll not repeat there again and again. सबको समझ में आ रहा है? तो under 194A, who should be deductor? Deductor can be any person other than individual or HF. However, individual and HF will also be covered for deduction if liable for tax audit in immediately preceding previous year. Are you getting?
and where the payment is related to your business or profession. Everyone getting this? And this law you will apply in all these cases also. Just like example, abhi ke liye de deta hu, 194 C mein bhi yehi law hai. Let us say ex individual, usko pichle saal audit nahi tha, ye saal audit hai. 16-17 mein audit nahi tha, 17-18 mein hai. Kya usko 194 C ka TDS karna padega? No. But 16-17 mein audit tha, 17-18 mein nahi hai. Karna padega? Ha, but kiske liye? Only business payments. Let us say pichle saal audit ye saal nahi hai. Ya fir ye saal bhi isse hame farak nahi padta hai, but pichle saal tha. Sabko samajh mein aa raha hai? Aur ye saal mein, current year mein, okay, in current year he has made two payments. One, painting of his factory building 2 lakhs and another painting of his residential house 1 lakh. I hope you are getting. Now 2 lakh painting of factory building is a business expenditure. Should tax be deducted on that? Yes. But painting of residential building is not his business expenditure. उस पे टीडीएस करने की जरूरत है क्या? नहीं. सबको समझ में आ रहा है? सेम लॉजिक विल अप्लाई टू आई एच जे. आई रेंट की बात, घर का रेंट विल नॉट बी कवर्ड, ऑफिस का रेंट विल बी कवर्ड. जे प्रोफेशनल फीस, आर यू गेटिंग? एडवोकेट को फी दी फॉर बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट कवर होगा? हाँ. बट एडवोकेट को फी दी फॉर योर फैमिली डिस्प्यूट्स? नो. सबको ऑब्वियसली, ये कब? इंडिविजुअल एचओएफ है तो बात हो रही है. अदर देन इंडिविजुअल एचएफ चेक भी मत करना बिजनेस पेमेंट है या नहीं. अदर देन इंडिविजुअल एचएफ को हमेशा टीडीएस होगा इफ इट गोज अबाउट दैट मॉनिटरी लिमिट. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सबको यहां पे अब डिडक्टर कौन है ये समझ में आया पक्का? नाउ हु शुड बी डिडक्टी? डिडक्टी शुड बी कंपल्सरीली रेसिडेंट. आर यू गेटिंग? अगर नॉन रेसिडेंट है तो टीडीएस यहां पे नहीं होगा. कहां पे होगा? 195. सबको समझ में आ रहा है? तो जितने भी प्रोविजन हम पढ़ेंगे सब में आपको मिलेगा डिडक्टी शुड बी रेसिडेंट एक्सेप्ट फ्यू केसेस. दैट इज रूल नंबर 2. नाउ दैट यू शुड रिमेम्बर, रूल नंबर 1 समझा आपको? रूल नंबर 2 कि जहां पे डिडक्टी कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट है तो भी टीडीएस उसी सेक्शन में होगा. कौन सा? 192 सैलरी, 192A रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पेमेंट. इज इट क्लियर? 194B दैट इज योर विनिंग फ्रॉम कैजुअल इनकम अदर देन हॉर्स रेसेस. 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ये दोनों कैजुअल इनकम है बट अलग अलग प्रोविजन है. समझ में आ रहा है? उसके बाद है 194G दैट इज योर लॉटरी कमीशन. इज इट वेरी क्लियर? तो ये केसेस में वो असेसी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है टीडीएस उसी सेक्शन में होता है. 195 में जाने की जरूरत नहीं. बट ये मैं छोड़ दू तो बाकी सब केसेस में ओनली रेसिडेंट्स आर कवर्ड एंड नॉन रेसिडेंट हैज टू गो अंडर सेक्शन 195. बट 194E ओके एंड 194LB LC एंड LD ये सेक्शन सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए. तो इसमें डिडक्टी शुड बी ओनली नॉन रेसिडेंट. आई होप यू आर गेटिंग दिस. एंड ऑब्वियसली लास्ट वन इज 195 जो यूनिवर्सल. तो ये रूल नंबर 3. सबको समझ में आया? सो इस केस में डिडक्टी कौन होना चाहिए? ओनली एंड ओनली नॉन रेसिडेंट. सबको समझ में आया? ये छोड़ के बाकी जो बचे हैं उन सब में डिडक्टी विल बी रेसिडेंट. सबको समझ में आया? तो डिडक्टी विल बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन दिस सेक्शन. डिडक्टी विल बी ओनली नॉन रेसिडेंट इन दिस सेक्शन. एंड लास्टली इन दोनों में जो नहीं आते हैं उन सब में डिडक्टी विल ऑलवेज बी रेसिडेंट. आई होप यू आर गेटिंग दिस. बार बार नहीं समझूंगा, आई रिपीट इट समटाइम्स बट देन दिस नाउ यू हैव टू रिमेंबर. इज इट वेरी क्लियर? पक्का? 100%. नाउ लेट अस गो बैक टू आर दिस. डिडक्टिव शुड बी वॉट? रेसिडेंट. इज इट वेरी क्लियर? नाउ वॉट शुड बी रेट ऑफ टीडीएस? सो यहां पे रेट ऑफ टीडीएस इज 10%. इज इट वेरी क्लियर? सो यू हैव टू डिडक्ट 10% ऑन वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट कंपोनेंट. वॉट इज गोइंग टू बी योर
मॉनिटरी लिमिट कि इसके ऊपर गया तो ही टीडीएस करना है. तो दैट इज यहां पे रुपीज 5000 टू अ पर्सन इन अ ईयर इज योर मॉनिटरी लिमिट, मतलब इसके ऊपर गया तो ही टीडीएस करना है. बट अगर सिर्फ एफडी या आरडी इंटरेस्ट है तो लिमिट हो जाती है 10,000, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज 5000. मतलब मैंने मेरे दोस्त को लोन दिया ऑन बिजनेस लोन, उसको इंटरेस्ट दिया, सॉरी मेरे दोस्त को इंटरेस्ट दिया ऑन योर बिजनेस लोन, तो वहां पे टीडीएस की लिमिट होगी 5000. बट बैंक ने मुझे एफडी पे इंटरेस्ट दिया तो उस बैंक के लिए लिमिट होगी 10,000. सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? परफेक्ट, यहां तक वेरी वेरी क्लियर? शैल वी गो अहेड? यस. नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये लिमिट है इफ इट गोज अबव 5000 और 10,000, बराबर. सो व्हाट इफ इट इज एग्जैक्ट 5 और एग्जैक्ट 10, टीडीएस होगा क्या? नहीं होगा. सबको समझ में आ रहा है? बट अगेन दिस 5000 एंड 10,000 इज टू अ पर्सन इन अ ईयर. सो लेट अस से आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम माय फ्रेंड एंड आई एम पेइंग हिम इंटरेस्ट 6 मंथली. पहले 6 मंथ्स का उसको दिया 3000, अगले 6 मंथ्स का दिया 3000. सो इन अ ईयर हैव आई पेड हिम मोर देन 5000? टीडीएस करना पड़ेगा. हाँ, सबको समझ में आ रहा है? पक्का 100%? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड रूल नंबर 4. तीन रूल हो गए हमारे, याद है ना? रूल 1 क्या था? डिडक्टर कौन होना चाहिए? तो डिडक्टर में नॉर्मली इट इज एनी पर्सन, बट 5 केसेस में अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, दैट विल अप्लाई इन 194A, C, H, I, J, बराबर. एंड अदर देन इंडिविजुअल है, बट इंडिविजुअल एचयूएफ विल ऑल्सो बी कवर्ड इफ लायबल फॉर ऑडिट इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड ओनली ऑन बिजनेस पेमेंट्स. रूल नंबर 2, डिडक्टी विल बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन दिस सेक्शन. 192 सैलरी, 192A प्रोविडेंट फंड का पेमेंट, कैजुअल इनकम के 2 एंड लॉटरी कमीशन, बराबर. रूल नंबर 3, डिडक्टी शुड बी ओनली नॉन रेसिडेंट. 194E इज नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल स्पोर्ट्समैन के पैसे. LBLC LD इज इंटरेस्ट इनकम विच इज टैक्सेबल एट मी ऑफ 5%. एंड 195 इज जनरल सेक्शन विच अप्लाइज ओनली टू नॉन रेसिडेंट. ये 2 छोड़ के अगर कोई दूसरा केस है तो डिडक्टी हैज टू बी कंपल्सरीली रेसिडेंट. आई होप यू आर गेटिंग. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड रूल नंबर 4. जितने भी सेक्शंस हम पढ़ेंगे जहां पे मॉनिटरी लिमिट होगी, सब जगह पे होगा इट शुड बी मोर देन दिस तो टीडीएस, वरना नहीं. जैसे जे में लिमिट 30,000, कमीशन ब्रोकरेज एच में 15,000, उन सब केसेस में क्या है, 15,000 के ऊपर गया तो टीडीएस, एग्जैक्ट 15,000 पे नहीं, 30,000 के ऊपर गया तो टीडीएस, 30,000 पे नहीं. ये थंब रूल सब जगह पे, बारिंग 3 एक्सेप्शंस. ये 3 एक्सेप्शन है 192A, 194DA एंड 194IA. ये 3 सेक्शन में लिमिट थोड़ी अलग लिखी है. जैसे 190, पहले 194IA लेते हैं क्योंकि ये आपको अच्छे से आता है. दैट इज इमोबल प्रॉपर्टी ट्रेडेड फॉर 50 लाख रुपीज और मोर, ऐसा लिखा है. मतलब टीडीएस विल बी अट्रैक्टेड इफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एग्जैक्ट 50 लैक्स तो भी, या 50 लैक्स के ऊपर. बट इफ इट इज लेस देन 50 लैक्स तो नहीं होगा. सबको समझ में आ रहा है? नहीं तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अभी जो हमने देखा 194A में 5000 या 10,000 एग्जैक्ट है तो नहीं होगा, उसके ऊपर है तो होगा. ये सब जगह पे एक्सेप्ट दिस 3. सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? 192 इज प्रोविडेंट फंड पेमेंट, 194DA इज इंश्योरेंस कंपनी पेइंग यू पॉलिसी का अमाउंट, एंड 194IA इज इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन. यहां पे 1 लाख है और यहां पे आई थिंक, प्लीज चेक, इट इज 30,000 और 50,000. प्लीज चेक, दैट लिमिट हैज चेंज. आई थिंक 50,000 इज नाउ, बराबर ना? एंड ये भी चेक कर लो, 1 लाख ही है ना कि 2 लाख है? आई थिंक इट इज 1 लाख ओनली, जस्ट चेक इट. DA 194DA इज, सो 192A प्रोविडेंट फंड की लिमिट 50,000, DA इंश्योरेंस कंपनी पेइंग फॉर पॉलिसी अमाउंट 1 लाख, एंड IA इमोबल प्रॉपर्टी 50. ये तीनों में
एग्जैक्ट 50,000, एग्जैक्ट 1 लाख या एग्जैक्ट 50 लाख रहा तो भी टीडीएस होगा, उससे कम है तो होगा नहीं, उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली होगा। सबको समझ में आया? सो रूल नंबर 4 भी क्लियर हुआ पक्का 100%। शैल वी गो बैक टू दिस नाउ? राइट, नाउ कम्स योर टाइम ऑफ डिडक्शन। इज इट वेरी क्लियर व्हेन इट इज टू बी डिडक्टेड? सो थंब रूल इज ऑलवेज इट शुड बी क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो आइदर क्रेडिटेड और पेड, व्हिचएवर इज अर्लियर यू हैव टू डिडक्ट। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? पक्का? नाउ कितने रूल हो गए हमारे? 4। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 इज एवरीवेयर टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन क्रेडिट और पेमेंट विच इज अर्लियर एक्सेप्ट दिस। तो ये जो एक्सेप्शन है इसमें टीडीएस विल बी डन ओनली व्हेन द अमाउंट इज एक्चुअली पेड, तो इट इज डन ऑन पेमेंट बेसिस। क्रेडिट कब है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले 192 सैलरी, दूसरा 192 ए प्रोविडेंट फंड का पेमेंट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तीसरा 194 बी विनिंग फ्रॉम कैजुअल इनकम अदर देन हॉर्स रेसेस, 194 डबल बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। इज इट वेरी क्लियर? देन यू हैव 194 एल ए दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन पे जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो। आई होप एवरीवन गेटिंग दिस? यस और लो? पक्का? देन यू हैव 194 Just 1 minute. Just give me 1 minute. That is exact 194 बराबर. That is dividend. Okay. So dividend के केस में भी it should be only at the time of payment. सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? Then next one here is also 194 DA. Insurance का policy का maturity का पैसा. Is it clear? एंड नाउ जो और एक नया एडिशन आया है 194 IC, ये नया सेक्शन है, दैट इज फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो मैं कैपिटल गेन में आपको समझा रहा था। तो जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है जिसके लिए अब नया कैपिटल गेन का एक प्रोविजो एड हुआ है 45 में, उस पर एक टीडीएस प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस हुए 194 IC। ओके, एवरीवन गेटिंग दिस? पक्का? तो ये कहाँ पे है देखो वापस एक बार, 192 सैलरी, 192 ए प्रोविडेंट फंड पेमेंट, 194 बी कैजुअल इनकम, डबल बी अगेन कैजुअल इनकम बट विनिंग फ्रॉम हॉस्टेसेस, एल ए कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, डिविडेंड, इंश्योरेंस कंपनी पेइंग पॉलिसी का पैसा एंड ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे जो पैसा मिलता है इंडिविजुअल HUF को। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? बाकी सब जगह पे इट विल बी क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब सिर्फ 194 IB जो इस साल नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए तो एकदम ही अलग है। उसके लिए ना क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर है, ना ही एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, उसके लिए एकदम ही अलग है वेयर लास्ट मंथ का रेंट इज पेड। सो ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम उस सेक्शन में जाएंगे। पक्का? तो ऑब्वियसली जब हम पहला सेक्शन करते हैं टीडीएस में बहुत टाइम जाता है, बट ये आगे आपको बहुत फायदा देगा। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? So let us quickly revise what we understood in 194A up to now. Okay? और उसके साथ हमने 5 rules भी देख लिए, बराबर ना? So 194A पहला section कौन से payment के लिए? Any interest paid other than securities. Is it clear? Deductor कौन होना चाहिए? Rule number 1 में समझा हमने, ACHIJ वाला case है, that means any person other than individual or HUF. Individual and HUF will be also called for TDS if liable for tax audit in immediately preceding previous year. सबको समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? And again that will be covered only for business payments. Is it clear? Deductee कौन चाहिए? Deductee should be compulsorily resident. Non-resident का TDS यहाँ पे होगा नहीं. If interest is paid to non-resident, उसका TDS भी जाएगा 195 में. फिर हमने 2 rules और देखे कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों कब होंगे डिडक्टी में, ये हमने लिस्ट देखी, और सिर्फ नॉन रेसिडेंट होंगे कौन से सेक्शंस में, ये भी हमने देखा। फिर रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। इज इट वेरी क्लियर? अब शांति से समझो, रूल नंबर 5 हो गए, एक और रूल बना लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या है? योर रेट ऑफ टीडीएस विल ऑलवेज बी फ्लैट
10%. इस पे कभी भी सरचार्ज सेस ऐड होगा नहीं, ये फ्लैट रूल है। बट जब भी नॉन रेसिडेंट का टीडीएस होगा, किसका, नॉन रेसिडेंट का, तो जो भी रेट आपको दिया है उसमें आपको सरचार्ज इफ एप्लीकेबल ऐड करना है और सेस 3% तो करना ही करना है। जैसे कि एग्जांपल 194B कैजुअल इनकम के लिए, इसमें दोनों कवर्ड है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डिडक्टी, तो भी टीडीएस होगा। तो लेटेस्ट से मैंने लकी ड्रॉ रखा, उसमें दो जनों को लॉटरी लगी, एक्स को 1 लाख, वाई को भी 1 लाख, एक्स रेसिडेंट है वाई नॉन रेसिडेंट है, तो एक्स के 1 लाख पे मैं 194B में टीडीएस करूंगा फ्लैट 30%, डन। बट वाई के ऊपर टीडीएस होगा 1 लाख में 30% प्लस सरचार्ज आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 ही लाख है, प्लस 3% सेस, मतलब 30.9% से टीडीएस होगा। तो रूल नंबर 6 सबको याद रहेगा, अगर आप नॉन रेसिडेंट का टीडीएस कर रहे हो तो इट विल ऑलवेज कवर इन दैट योर सरचार्ज एंड सेस, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड सेस श्योरली 3%। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग रूल नंबर 6, यस और नो? नाउ अमाउंट, ऑन व्हाट अमाउंट टीडीएस हैज टू बी डेड, ऑब्वियसली इंटरेस्ट, बट देयर इज अ मॉनिटर लिमिट। इफ योर इंटरेस्ट इज नॉट मोर देन 5000 टू अ पर्सन इन ईयर, मतलब व्हाट इफ इट इज एग्जैक्ट 5000, नहीं, सबको समझ में आ रहा है, then you have to not deduct, but only for FD and RD interest it will be how much? 10,000 के limit. फिर हमने rule, यहाँ पे भी rule number कौन सा? 4 देखा, and rule number 4 was, there are 3 cases where, even if that amount is equal to that, still TDS will happen. So TDS doesn't occur only if it is less than that. नहीं तो normal it is, TDS will not happen if it is equal to or less than. I hope you are getting. बट ये तीन केसेस में टीडीएस विल हैपन इफ एन इफ इट इज इक्वल टू मॉनिटर लिमिट, कौन सा, 192A, 194DN, 194IA। ये हम और आगे डिटेल में देखेंगे जब ये सेक्शंस पे आएंगे। इज इट वेरी क्लियर? देन लास्ट पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टूड हियर इज टाइम ऑफ डिडक्शन एंड दैट इज क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सो दैट इज थंब रूल एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस सेक्शंस। ये सेक्शंस में आपका टीडीएस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। I hope you are getting this, everyone. So everyone understood 194A very properly up to this, but wait. ये 7 point छोड़ के यहाँ पे खास point होता है exemptions. Certain interest are exempt from TDS. It's a big, big list. We are going to read all those things. But उसमें सिर्फ 4 important है. Exam में आए तो वो चारों में से ही आते हैं. Are you getting? Okay. पहला, जो आप फॉलो भी करते हो बट शायद से आपको मालूम नहीं कि आप क्यों फॉलो करते हो, एग्जाम्पल में बात करता है। सो पहला केस लेट अस से दैट इज वेयर यू आर पेइंग इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर्स, सो दैट इज ऑल्सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो अदर देन सिक्योरिटीज, देन ऑब्वियसली यू पे मेनी टाइम्स अबव द लिमिट ऑफ 5000, देन यू डोंट डिडक्ट टीडीएस, बराबर ना? Why you don't deduct TDS? Because in this exception list, it is being very clearly said, any interest paid by firm to its partner on its capital is not subject to TDS under 194A. Everyone understanding this? Please don't apply vice versa. Vice versa hoga, to TDS will apply. So if it is paid by partner to firm, then TDS has to be done. I hope you are getting this. That is on overdrawn capital. But then again be careful. Many a times partner will be individual only. बहुत बार इंडिविजुअली होते हैं पार्टनर, तो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस करते हैं, तो इसलिए हम बहुत बार टीडीएस नहीं करते, बट वो पार्टनर इंडिविजुअल है बट पिछले साल ऑडिट में था, एंड जो इंटरेस्ट वो फर्म को दे रहा है वो पार्टनर के इंडिविजुअल बिजनेस में उसका डिडक्शन ले रहा है, तो टीडीएस होगा, बिकॉज यू हैव टू फुलफिल दिस ना, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ विल बी कवर्ड इफ लायबल फॉर ऑडिट इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड That interest expenditure is a business expenditure. Everyone understanding this? Pehla exception clear hua. Dusra, whatever interest that is paid to banks or financial institutions. In that particular case, again no TDS will be attracted. Sabko samaj mein aa raha hai? Yes or no? That happens so many times. You take loan from bank and you pay them interest. Obviously, Government doesn't want TDS on that because they know bank will pay their taxes very properly. Sabko samajh mein aa raha hai? Yes or no?
अब यहाँ पे इसमें एक्चुअल कवर कौन होगा? ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स जो भी है आपकी, और इवन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो क्या कवर नहीं होगा? एनबीएफसीज नहीं। तो उस पर आपको टीडीएस करना पड़ता है। आप ऑफिस में करते हो कि नहीं? बजाज फाइनेंस से लोन लिया, चोलामंडलम फाइनेंस से लिया, यस और नो, एडिलवाइस से लिया, ऑल दीज आर एनबीएफसीज। तो उस केसेस में उन एनबीएफसीज पे आपको आपको टीडीएस करना पड़ेगा। या फिर इफ एनी इंटरेस्ट इज टेकन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पत्र संस्था से लिया, तो वो भी टीडीएस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन दिस लिस्ट। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? पहले दो एक्सेप्शन क्लियर हुए, चलो तीसरे पे। थर्ड, व्हाट इज रेलेवेंट हियर इज दैट इज इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग बैंक अकाउंट पे टीडीएस होता नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? पर टेक्निकली अगर हम बात करें तो सेक्शन में लिखा है एनी इंटरेस्ट दैट इज पेड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर्स ऑन एनी डिपॉजिट अदर देन टर्म डिपॉजिट पे नहीं करना है। मतलब एफडी पे करना है, आरडी पे करना है, क्योंकि ये दो टर्म डिपॉजिट है। ये दो छोड़ के बाकी आप किसी भी चीज पे इंटरेस्ट दे दो, नहीं करना है। तो ये दो छोड़ के मेरे को तो लगता है सिर्फ सेविंग बैंक पे देता है। अब कुछ कुछ बैंक्स ने करंट अकाउंट पे भी देना चालू कर दिया है। कोई कोई बैंक्स होती है कि इतने ऊपर अगर आपने करंट अकाउंट में रखा तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे। ओके, तो क्या उस पे फिर टीडीएस होगा? नहीं, क्योंकि टेक्निकली अदर देन टर्म डिपॉजिट्स किसी पे भी नहीं करना है। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? सो ये तीसरा भी क्लियर हो गया, राइट? फाइन, यस। नाउ फर्स्ट थ्री एग्जेम्पशंस वी हैव अंडरस्टूड, लेट अस नाउ मूव टू फोर्थ वन। नाउ दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और उनके मेंबर्स की एफडी या आरडी रखी हुई है उनके पास, तो एफडी या आरडी पे जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पे नॉर्मली टीडीएस करना होता है बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। बट वो करने की जरूरत नहीं अगर वो एफडी या आरडी किसकी है? मेंबर की। तो लेट अस से एक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्स वाई जेड की एफडीज है, ये दोनों मेंबर है, ये मेंबर नहीं है। तो इसको जो उस एफडी इंटरेस्ट एफडी पे इंटरेस्ट आएगा उस पे क्या टीडीएस करना पड़ेगा? हाँ, ऑब्वियसली इफ इट एक्सीड्स 10,000 तो ही, अदरवाइज नहीं। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? इज इट वेरी क्लियर? प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इस पे ग्रे एरिया था वेदर इट विल अप्लाई इवन टू कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें एक जजमेंट भी आया, मुंबई हाईकोर्ट का ही आया था। ओके, यस। बट उसके बाद अमेंडमेंट ही कर दिया स्ट्रेट अवे कि इट डजेंट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स। सो लेट अस से एग्जाम्पल अगर हमें देना है, नासिक में अगर हम बोले नाम को नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक या महेश बैंक, ये बैंक में अगर मैं मेंबर हूं, शेयर होल्डर हूं उनका, और वहां पे एफडी रखता हूं और वो मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या उनको टीडीएस करना पड़ेगा? हाँ, बिकॉज दिस अप्लाइज नाउ ओनली टू पत्र संस्था दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नॉट टू कोऑपरेटिव बैंक्स। एवरी वन अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, प्रॉपरली सबको समझा? फाइन। सो ये चार एक्सेप्शन अच्छे से समझ में आए। अब यही चार मेन काम के, बाकी के वी विल जस्ट गो थ्रू फ्रॉम आर नोट्स। इफ यू कैन सी इन योर नोट दैट इज हमने ए बी सी, दैट इज बेसिकली ए तो मॉनिटरी लिमिट है वो हम पढ़ चुके, बी पढ़ा हमने फर्म टू इट्स पार्टनर्स, देन नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर ऑन देयर एफडीज एंड आरडीज, इट डजेंट कवर कोऑपरेटिव बैंक। नाउ एवरीवन अंडरस्टूड दैट? देन डी इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। सर्टन गवर्नमेंट नोटिफाइड सिक्योरिटीज पे नहीं होगा, जैसे पीपीएफ पे इंटरेस्ट आता है टीडीएस होता है क्या? क्यों? क्योंकि वो एग्जम्प्ट है। सुकन्या समृद्धि स्कीम पे जो पैसा रखोगे उस पे जो इंटरेस्ट आएगा टीडीएस होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो एग्जम्प्ट है। तो जो जो इंटरेस्ट आपके इस हिसाब से एग्जम्प्ट है उस पे टीडीएस होगा? नहीं। देन नेक्स्ट वन ई पॉइंट, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड दैट इज बेसिकली सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे नहीं होगा, दैट इज अदर देन टर्म डिपॉजिट। सबको समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट वन अगेन नॉट रेलेवेंट, वेरी स्पेसिफिक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विथ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और अ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और अ कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और अ कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। फाइन। सो इन सबसे इंटरेस्ट जो आएगा उस पर टीडीएस होगा? नहीं। देन नेक्स्ट वन इज जी पॉइंट विच इज वेरी रेलेवेंट, एनी इंटरेस्ट पेड टू बैंक विल नॉट बी कवर्ड फॉर टीडीएस। ये हमने देखा। बट इसमें कौन कवर नहीं होगा? एनबीएफसी नहीं होगा,
एंड योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके ऊपर अब आपको टीडीएस करना पड़ेगा। बट अब ये बैंक के साथ इस लिस्ट में आगे जो चीजें दी है आर ऑल योर नॉर्मली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लाइक इफ यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम एलआईसी और जीआईसी, तो इनका भी इनकम एग्जम्प्ट होता है, तो इनका टीडीएस करके कोई फायदा है नहीं। सो दैट लिस्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू, ओके, बट वॉट इज रेलिवेंट देर इज बेसिकली एनी शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी एंड जीआईसी, इज इट वेरी क्लियर? देन H1 अगेन नॉट रेलिवेंट, इट टॉक्स अबाउट मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल। तो अगर सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया और आप मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में केस लॉज हुई और उसमें किसी को कॉम्पेंसेशन देने की बारी आई, बट लेट अस से डिसीजन केम आफ्टर 3 इयर्स और 3 साल बाद कॉम्पेंसेशन देना है लेट अस से 40,000, अब वो विथ इंटरेस्ट देना है, सबको समझ में आ रहा है? तो इस पे जो इंटरेस्ट जाएगा उस पे टीडीएस नहीं करना है, दैट इज व्हाट दे से। बट इफ दैट क्लेम अमाउंट इज नॉट मोर देन 50,000, तो अगर आपका क्लेम अमाउंट 50,000 से ऊपर है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे टीडीएस करना पड़ेगा। बट अगेन रिमेंबर, इंडिविजुअल एचएफ नॉट कवर्ड, पिछले साल ऑडिट चाहिए, बिजनेस पेमेंट चाहिए, पर्सनल पेमेंट पे नहीं होता है, तो बहुत बार तो वो निकल ही जाना है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वन नॉट दैट वेरी रिलेवेंट, जीरो कूपन बॉन्ड्स पे टीडीएस होगा नहीं, क्योंकि उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे नहीं होता है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स एडजस्टेड। आर यू गेटिंग? यस और नो? एंड अगर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में RNOR का अकाउंट है और वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इवन ऑन FD, उस पर टीडीएस होगा नहीं, आई से नॉट एट ऑल रेलिवेंट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो इसमें चार एग्जम्पशंस काम के थे, सबको समझ में आए ये चारों? पक्का 100%? सो वी आर डन विथ फर्स्ट सेक्शन, वी टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर फर्स्ट सेक्शन बट इट वॉज वेरी वेल रिक्वायर्ड। अब आगे के उतने ही फास्ट होंगे आपके, सबको समझ में आ रहा है? तो जब टीडीएस हम देखते हैं तो हमें 7 चीजें देखनी होती है, 8वीं एग्जम्पशन कई जगह पे होगी कई जगह पे नहीं होगी। क्या देखना होता है? सबसे पहले सेक्शन, कौन सा पेमेंट कवर्ड है, हु शुड बी डिडक्टर, हु शुड बी डिडक्टी, व्हाट इज रेट ऑफ टीडीएस, व्हाट इज मॉनिटरी लिमिट एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ डिडक्शन एंड लास्ट वन एग्जम्पशन इफ प्रोवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो सबको 194A में समझ में आया? प्लस प्लस उसके साथ हमने कुछ रूल्स बनाए, सबको रूल समझ में आया? यू हैव टू लर्न दोज रूल्स, इट विल बी देन वेरी वेरी इजी फॉर यू, बहुत सारी चीजें आपकी इजी हो जाएगी। और क्या आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा? हाँ, जैसे एक बार ऑलरेडी आ चुका है 194IA में उन्होंने बोला था एग्जैक्ट 50 लाख की लैंड बेची थी, तो शुड बी केयरफुल, टीडीएस होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, बराबर ना? यस और नो? एवरीवन गेटिंग दिस? ओके फाइन, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस।